कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच कनाडा में रह रहे हिंदुओं को खालिस्तानियों की ओर से धमकी भी दी जा रही है। इस वजह से कनाडा में हिंदुओं में डर बढ़ रहा है। कहा जा सकता है कि कनाडा में इस वक्त हिंदुओं को निशाना बनाने की तैयारी हो रही है। कनाडा में हिंदुओं को लेकर कनाडा की सत्ताधारी लिबरल पार्टी के एक सांसद ने बड़ी आशंका जताई है। कनाडा में भारतीय मूल के इस सांसद ने हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने इस तनाव की वजह से सांप्रदायिक खून खराबा बढ़ने की आशंका भी जताई है। उनका कहना है कि खालिस्तानी समूहों से बढ़ते खतरे के बाद कनाडा में रह रहा हिंदू समुदाय डर के साए में जी रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के शामिल होने के दावे के बाद कनाडा में हिंदू के खिलाफ धमकियों की भी निंदा की है। उनका मानना है कि कनाडा में सांप्रदायिक खून खराबे का खतरा अब बढ़ता जा रहा है। बता दें कि भारतीय मूल के इस सांसद की चेतावनी खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हिंदुओं को धमकियों के बाद आई है। भारत में खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने कनाडा में हिंदुओं को धमकी दी है और उन्हें देश छोड़ने के लिए कहा है। हालांकि पन्नू का वीडियो वायरल होने के बाद कनाडा की सरकार ने कहा है कि देश में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन पन्नू के खिलाफ ट्रूडो सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। ये बताता है कि ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों के एजेंटे के साथ हैं और वो वोट बैंक की राजनीति के लिए खालिस्तानियों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहते। फिलहाल कनाडा में हिंदुओं को खालिस्तानियों से खतरा तो जरूर है, जिसके खिलाफ कनाडा की सरकार को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।